देखिए दोस्तों, हम सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मेरे पास है बोया का माइक है दोस्तों, इसी कंपनी का आपको भी खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा माइक है और दोस्तों बहुत ही अपर लेवल का ये आपको एक्सपीरियंस देता है। देखिए दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए दोस्तों आपको गोल गोल घुमाना है, जैसे दोस्तों ये ओपन होने लगेगा। दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आपको ये प्लस माइनस दिखा रहता है, ये बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि आपको दिखाया होगा कि आपको सेल कैसे लगाना है, आप इसके अकॉर्डिंग सेल को लगा सकते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर धागा दिया रहता है ना, उसको सेल के नीचे लगाना है। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों, अगर आप दूसरा सेल लगाना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसे वापस लगा देते हैं। देखिए इसमें एक पिन भी दी रहती है, अगर आप इसे कहीं पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बहुत ही दोस्तों ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पर दोस्तों हमें बिल्ड क्वालिटी का अचार नहीं डालना है, क्योंकि हम थोड़ा सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए इससे कि हमारी जो वॉइस क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी का क्या करना है। तो दोस्तों हम इसे लगा देते हैं। अब यहाँ पर दिया होता है दोस्तों ये जो बटन रहते हैं, जो कि बहुत ही मेन रहते हैं, ऊपर दोस्तों लिखा रहता है कैमरा और नीचे लिखा रहता है ऑफ स्मार्टफोन। दोस्तों अगर आप ये देख लेते हैं, देखिए अगर आप ऑफ करेंगे तो दोस्तों वहां भी आपका जो कैमरा है वहां भी काम करेगा, और दोस्तों अगर आप नीचे भी कर देते हैं तब भी काम करेगा, पर दोस्तों ये जो आपका जो वॉइस क्वालिटी रहेगी वो बंद कर देगा। इसलिए दोस्तों आपको जो करना है, अगर आप कैमरे में बनाते हैं तो दोस्तों आपको ऊपर की ओर कर देना है, अगर दोस्तों अगर आप मोबाइल के कैमरे से बनाते हैं तो दोस्तों आपको ऑफ स्मार्टफोन कर देना है। इसकी सहायता से दोस्तों आपकी जो वॉइस क्वालिटी रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों आपने कई यूट्यूबर वीडियो पर देखा होगा कि वे आपको ओपन कैमरे की सलाह देते हैं, पर दोस्तों मैं आपको ऐसे कोई भी एप्स की सलाह नहीं दूंगा, जैसे कि आप ये डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद इसको अटैच करिए, फिर उसके बाद ये धंधा करिए, नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके जो मोबाइल में हेडफोन लग जाता है तो दोस्तों ये भी लग जाएगा, आपको सिंपली आपको लगाना है और आपके जो मेन कैमरा रहता है ना उसी से आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि दोस्तों मेन कैमरे की क्वालिटी की बात ही अलग रहती है दोस्तों, उससे बनाइए। बाकी आप वीडियो क्वालिटी आप कर सकते हैं कि कैसे आपको बनाना है, मेरे जैसे आप वीडियो क्वालिटी अगर बनाना चाहते हैं तो मेरे जैसे आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल में, कि मैं कैसे अपनी वीडियो को एडिट करता हूं, आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहां भी देख सकते हैं। देखिए नॉर्मल से ये काम है, और दोस्तों ये जो माइक रहता है वहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो माइक रहता है इसमें एक रबर लगी रहती है। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे लगा कर करते हैं, देखिए मैंने दूर कर दिया है, थोड़ी मेरी आवाज़ चेंज हो गई होगी, और दोस्तों ये भी लगा दूंगा तो मेरे दोस्तों जो आवाज़ है मेरी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। देखिए अब मेरी आवाज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, इसलिए दोस्तों मैं इसको हटाकर ही मैं अपने ऊपर लगाता हूं। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप इसकी ज़्यादा ज़रूरत मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा दूर ही रखते हैं ना तो ये इसका काम हो जाता है, पर दोस्तों दूर रखने के बाद ही अगर ये लगाते हैं तो आपकी आवाज़ जो रहती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बाहर की आवाज़ ज़्यादा सुनाने लगती है, इसलिए दोस्तों ये मैं हटाकर ही हमेशा लगाता हूं। इसको कुछ इस प्रकार आप लगा सकते हैं कि जो ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है ये ऊपर ही जाए, जिससे दोस्तों आपकी जो आवाज़ रहती है पूरे यहाँ पर क्लियर सुनाई दे। दोस्तों बस नॉर्मल सा यही काम रहता है, आपको किसी और ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना रहता है। दोस्तों ये जो डाउनलोड करने के लिए लोग बोलते थे वो 2-3 साल पहले बोलते थे, अब 2022 में दोस्तों आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों ये जो आप कैमरा से यूज करते हैं दोस्तों वो भी बहुत अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों नॉर्मल आपको लगाना है और वीडियो भी आपको बनाना है। दोस्तों आप वीडियो क्वालिटी अगर किसी और कैमरे से बनाते हैं ना मत करिएगा, आपका जो कैमरा रहता है उसी से वीडियो बनाइए। चलिए दोस्तों आपको यही बताना था कि आपको दंडफंग में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही फंक्शन रहता है। देखिए दोस्तों आपने देख लिया, दोस्तों आपको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।